दोस्तों रब्बा ही रब्बा की रट लगाए और मांगने की आदत डालो, इससे बड़ा ताल्लुक बढ़ता है, अल्लाह ताला से बेहद ताल्लुक बढ़ता है मांगने से। देर तक मांगते रहो, सुन्नत है कि एक चीज को तीन दफे मांगो। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं तो कम से कम है, ये ज्यादा से ज्यादा की हद नहीं है, मगर कम से कम तीन दफे कहो अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती, या अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती, या अल्लाह मुझे, तीन दफे कहना भी सुन्नत है, एक सुन्नत है दुआ सुन बोलो। तो ये थोड़ा सा तफसीर हदीस और दस मसलू का सबक हो गया। अब आप वो निकल इन्हें खुद साफी है महफिल निगाहों से पिलाते हैं, जिन्हें खुद साफी है महफिल निगाहों से पिलाते हैं, निगाहों से पिलाते हैं, किसी मंजिल में भी गाफिल वो मस्ताने नहीं होते, जमाले रूए महबूब अरे बिल्ला रोमी ऐसा नहीं, हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अख्तर साहब नवर और खजर की आवाज थी। ये दुनिया जो ही रहेगी और हजारों बड़ बड़े, ये दुनिया जो ही रहेगी और हजारों बड़ बड़े अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएगी, सबको जाना है दुनिया से, नेक काम कर लिया इंतकाल के बाद भी लोगों की हिदायत के जरिए वो अल्फाज बनते रहते, और ये आवाज खत्म नहीं होती, जो इंसान के मुंह से एक आवाज निकल जाए कयामत तक वो बाकी रहती है और फजाओं में गूंजती रहती है, खलाओं के अंदर फजाओं के अंदर बहुत सी मखलूकात है वो उससे मुस्तफीद होती रहती है, और पहले जमीन टेप के जरिए या नेट के जरिए सुनकर उसे फायदा हासिल करते हैं, उनकी भी हिदायत के जरिए बनती रहती है। अल्लाह ताला हम सबको कदर की तौफीक अता फरमाए। मैं भी जन्नत दोज़ख दोनों देख कर वापस आया हूँ, उम्मीद नहीं थी मैं, तकरीबन 45 दिन के बाद आप हजरात से गुफ्तगू की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सारी दुनिया में लोग दुआओं में लगे हुए थे, पूरे कुरैश से अल्लाह ने उनकी दुआओं को सुना, कबूल फरमाया, उसके सबसे दोपहर में दोबारा फिर आप हजरात भेज दिया। अल्लाह सब बड़े जल्द इस खान का क़यामत कायम दायम रखे और ज़ाकिरीन शाग़िरीन से आबाद रखे, किसी को भी अल्लाह ताला मालूम न फरमाए, और यहाँ आने वाले या सुनने वाले या किसी क़यम का किसी नौ का ताल्लुक रखने वाले सबको अल्लाह हर बीमारी से हिफाजत फरमाए, उनके उनके ख़ानदान को हर क़यम के जितनी बीमारियाँ दुनिया में चल रही हैं अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, खुसूसी कर्म का रहम का मामला फरमाए, खास कर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, खास सगीरा हो या कबीरा हो, दानिस्ता तौर पर हो या नादानिस्ता तौर पर, आमदन हो या सहवन हो, दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस्म के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बीमार की दुआ कबूल होती है। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो लोग आपकी मोहब्बत में आए हुए हैं सबको जल्द फरमा के अपना मकबूल अपना मकबूल अपना महबूब बना लें, किसी को भी अल्लाह महरूम न फरमा, रब करीम किसी को महरूम न फरमा, रब करीम किसी को
تو کریم ہے ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما, تو رحیم ہے ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما, تو ستار الرعیوب ہے ہم سب کے ساتھ پردہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال, تو غفار الذنوب ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے, خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے, یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرت کے لیے دعا فرما رہے ہیں تمام حضرات, آمین کے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, 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 اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک.